Please subscribe and press the bell icon for more content. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एड्रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज को कैसे टेक्स्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी इमेज है तो आप आसानी से टेक्स्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, और आपके पास स्कैन किया हुआ डॉक्यूमेंट है भी तो आप आसानी से टेक्स्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल से क्लिक किया हुआ इमेज है तो आप आसानी से टेक्स्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे पास यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है दोस्तों। मेरे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्जन है दोस्तों। आपके पास कोई भी वर्जन है तो आप आसानी से टेक्स्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करता हूँ दोस्तों। इंसर्ट करने के लिए आप जाइए इंसर्ट पर, और इंसर्ट पर जाने के बाद आप जाइए पिक्सर्स पर, और पिक्सर्स पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप दिस डिवाइस पर क्लिक कीजिए। दिस डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा पास एक इमेज है दोस्तों। ये इमेज मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ दोस्तों। इंसर्ट और ये इमेज पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जाइए दोस्तों फॉर्मेट पर, और फॉर्मेट पर जाने के बाद क्लिक कीजिए वाप टेक्स्ट पर। वाप टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जाइए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करने के फ़ायदा ये है दोस्तों, आप कोई भी इमेज को साइज़ बड़ा और छोटा कर सकते हो, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, कहीं भी एंगल पर आप ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए, और उसके बाद जाइए फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पर जाने के बाद आप करेक्शन पर जाइए दोस्तों। करेक्शन पर जाने के बाद पिक्चर्स करेक्शन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए दोस्तों। पिक्चर्स करेक्शन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ चुका है फॉर्मेट पिक्चर्स लिखकर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों पिक्चर्स करेक्शन का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप कोई भी इमेज को एडिटिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं यहाँ पर शार्पनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ दोस्तों, मैक्सिमम 20%, और ब्राइटनेस में यहाँ पर 50% के आसपास रख देता हूँ दोस्तों, और उससे भी थोड़ा कम रख देता हूँ दोस्तों, 30% रख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर देखिए। और कंट्रास्ट थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ दोस्तों, ताकि आसानी से ये समझ लेता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मेरे पास यहाँ पर कन्वर्ट कर चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर इमेज एडिट कर चुका हूँ दोस्तों, और इसके मैं बड़ा कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा। और यहाँ पर आप इस इमेज को आप सेव कीजिए दोस्तों। सबसे पहले इस इमेज को आप सेव कीजिए। सेव करने के लिए जाइए फाइल में जाइए, और फाइल में जाने के बाद सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ब्राउज सेलेक्ट कीजिए। आप कौन सा भी ब्राउज पर आप सेव कर सकते हैं दोस्तों। मैं डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हो दोस्तों आप। मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट फाइल लिख देता हूँ दोस्तों, और उसके बाद टेक्स्ट फाइल 1-2 लिख देता हूँ दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर सेव एज टाइप पर क्लिक कीजिए, और सेव एज टाइप पर क्लिक करने के बाद जाइए क्लिक कीजिए पीडीएफ पर। पीडीएफ पर सेव कीजिए दोस्तों इस डॉक्यूमेंट को। आप पीडीएफ पर सेव कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए सेव पर, और ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ पर सेव हो चुका है दोस्तों। और इसके क्लोज कर दीजिए, और इसको भी क्लोज कर दीजिए दोस्तों, वर्ड के फाइल के भी क्लोज कर दीजिए। और क्लोज करने के बाद फिर से आप एक बार एमएस वर्ड को ओपन कीजिए। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एमएस वर्ड को, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्लिक कीजिए व्यू पर। व्यू पर क्लिक कीजिए। व्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर दोस्तों आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। आउटलाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आउटलाइन का ऑप्शन दिख चुका है, और यहाँ पर आप शो डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। शो डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ चुका है दोस्तों, क्रिएट और इंसर्ट। आप सिंपल इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। आगे हमने इमेज यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव किया है, वही इमेज आप डेस्कटॉप पर चूज करके सेलेक्ट कीजिए। मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल 12 लिखकर सेव किया है दोस्तों। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, सिंपली आई ओपन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्स्ट कन्वर्ट होकर तैयार हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आसानी से टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर आप कोई भी
टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं दोस्तों। आपके पास कोई, और मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर स्पेस देता हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों आपके। और उसके बाद यहाँ पर दिख चुका है दोस्तों क्लोज आउटलाइन व्यू, यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आसानी से कन्वर्ट होकर तैयार हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सब कुछ कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर आसानी से दिख चुका होगा, और इसको भी डिलीट कीजिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सब कुछ आसानी से चेंज हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप अपने कोई भी इमेज को टेक्स्ट पर कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।